Am I audible to all of you? सब सुन सकते हैं मुझे? बिल्कुल. It's a pride moment for PCY, Pakistan Council of Youth as well, कि आज 12 रबीउल अव्वल और रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. हम ट्रक की बत्तियों के पीछे लगे हुए हैं वीकेंड से, अगर आपको पता हो. आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है हमारा, कि हम ऐसी गैर इखलाकी और खुराफात के पीछे लग गए हैं, लेकिन जो बेसिक मकसद है उससे दूर है. तो हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है, और मैं कहूँगा कि वी हैव प्राउड कि आज आपने ये प्रोग्राम सजाया जिसमें हम एक कोर जो मकसद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हसना की तरफ लाया जा रहा है. और जो मुझे टॉपिक बताया गया रेहान अब्बासी साहब की तरफ से, वाकई वो जो टॉपिक है सदाए इश्क, तो सारी लड़ी कायनात की सदाए इश्क पे है. एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा और फिर हम अपने अगले मुकर्रर को मधु करेंगे, वो आपके सामने अपने हुनर का जलवा दिखाएं. तो वो शेर क्या है, करूँ तेरे नाम पर, बड़ा मशहूर शेर है आला हजरत का, और वाकई ये इश्क मस्ती से रिलेटेड है. इश्क होगा तो यकीन हम वो प्योर जो उसमें हंसना है, जो हमें दर्ज दिया गया कुरान में भी, हम उसे अपना सकेंगे. करूँ तेरे नाम पर जहाँ फिदा, एक जा नहीं दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, क्या करूँ के करोड़ों जहाँ नहीं. तो बिल्कुल जो है, बच्चे भी बैठे हैं माशाल्लाह, और अच्छे प्रोग्राम्स में मैं अगर आपको बताऊं कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपकी सोहबत जो है वो आपको बनाती है, इन्वायरमेंट आपको बनाता है. भाई अगर आप कचरे के पास से गुजरेंगे, दिस इज़ दी साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट्स एज वेल. हमारे लोगों को जो है ना वो बड़ा यूरोप के स्टेटमेंट्स दें तो तब उन्हें यकीन आता है, लेकिन उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि यूरोप आज जो बना है वो बर्र सगीर पाक व हिंद से यूके सारी चीज़ें लेकर गया. ठीक है, आज हमारे जो कुतुब और हमारी जो किताबें थी अल बैरूनी, इब्नुल हैशम, हमारी रिसर्च थी, वो वहाँ यूरोप चली गई. तो हम नफ्सियात का शिकार हो गए, डिस्क्रिमिनेशन का. यार वी आर लो पीपल, दे आर हाई पीपल. भाई गोरा है तो भाई शशका है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. वी हैव कॉन्फिडेंट, सिर्फ कॉन्फिडेंट की कमी और डायरेक्शन की है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं. भाई डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने हाल ही में जो है वो हमसे रुखसत हो गए, तो बहुत बड़ा जो है हमारा असासा थे. आपने देखा कि एटम बॉम्ब उन्होंने बड़ी मेहनत करके जो है वो उसको अचीव किया. तो खैर चलते हैं अपने उसकी तरफ, लेकिन एक पस मंज़र आपसे बयान करना चाह रहा था, और बच्चे भी बैठे हैं तो बात कर रहा था मैं सोहबत के लिहाज से. तो सोहबत अगर आप कचरे के पास से गुजरेंगे, हाँ भाई बच्चा लोग कमांडो, सोहबत कचरे के पास से क्या आती है, बदबू आता है, खुशबू आता है, बदबू आता है, इसको भी पता है. तो कचरे के पास से गुजरेंगे तो आपको वही इन्वायरमेंट के लवाजमात आपके साथ मुंसलिक हो जाएंगे. इसी दौरान हमारे सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के मैनेजर अली रज़ा बुखारी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपकी भरपूर तालियों में इनका इस्तकबाल करते हैं. सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट ऑल ओवर पाकिस्तान में अपनी खिदमात अंजाम दे रही है. एहसास प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर का, उसके साथ भी पिंडी इस्लामाबाद में आपने देखा होगा डिफरेंट लंगर खाने, इसके साथ डिफरेंट इनिशिएटिव हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, और इसके अलावा जो है बच्चों की एजुकेशन हो गई, और ओल्ड एज होम, और डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो पाकिस्तान को सर्व कर रही है. तो खैर बात हो रही थी, तो इसने क्या नाम है तुम्हारा भाई, यामीन, शामीन, शाम से निकला शामीन बैठे हुए हमारे, तो इन्होंने कहा कि भाई बदबू आता है. बात समझ आ रही है? तो बात मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप रियलाइज नहीं करते. आप की पर्सनालिटी में ग्रोइंग आपके एनवायरनमेंट से आती है. तो आप अगर कचरे के पास है तो बदबू आएगी, लेकिन आप किसी खुशबू फूल बाग के अंदर से गुजरेंगे तो खुशबू आएगी. ठीक है, तो वही आपकी पर्सनालिटी में झलकार नजर आएगी. तो ऐसे ही अगर आप खराब इवेंट्स में बैठेंगे, ठीक है, मैं आप बात को आपको समझाना चाह रहा हूँ, खराब इवेंट्स में बैठेंगे, खराब एनवायरनमेंट में बैठेंगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपकी शख्सियत में भी वही चीजें आएंगी. लेकिन अपने लिए क्लैपिंग करें, आज आप इस अच्छे इवेंट में बैठे हैं जो आपको खुशबू ही खुशबू देगा.
तो आप स्टार्ट करते हैं, हम अपने अगले स्पीकर को बुलाते हैं। आई वुड लाइक टू इनवाइट अमानुल्लाह भाई के वो आए और अपने हुनर का जलवा दिखाएं।